मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। मैंने घर वापसी की है तो मुझे सारे लोगों से बहुत अच्छा स्नेह मिल रहा है और जहाँ भी क्षेत्र में जाती हूँ वहाँ मेरे साथ सारे लोग हैं। मुझे कांग्रेस से बीजेपी में आके बहुत अच्छा लग रहा है, स्नेह भी मिल रहा है क्योंकि मैं कांग्रेस में जो काम नहीं कर पा रही थी वो बीजेपी में आके मैं काम कर रही हूँ। मैं इस पार्टी में आई हूँ तो अब मुझे स्वतंत्र लग रहा है क्योंकि मैं उस पार्टी में थी तो मैं बंधन में थी, मैं जनता के हित के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, मैं जनता के लिए कोई काम करती थी उसमें मुझे अड़च मिला जाता था, मुझे काम नहीं करने दिया जाता था। मैं सीएम साहब के पास भी कई बार छोटे छोटे काम लेके गई हूँ पर वो मुझे सिर्फ इतना कह देते थे कि विधायक जी आपका काम हो जाएगा, पर जब मेरी बात आप सुनोगे नहीं किस काम को लेके आई तभी तो मेरे काम हुए। जनता बहुत दुखी थी, जब मैं जाती थी तो मुझे यही कहा जाता था कि मैं हम लोगों ने आपको 41,000 से वोट जिताया है पर आप कुछ कर ही नहीं रही हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ जनता से इतना ही बोल पाती थी कि मैं मजबूर हो गई हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही। पर ये 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें काफ़ी योजनाओं को बंद कर दिया गया था, प्रधानमंत्री आवास ये मिल नहीं पा रहे थे सब लोगों को भी, समल योजना में वालों को 2 लाख मिलता था, गरीब आदमी को वो उन तक नहीं पहुंच रहा था, उससे बहुत आदमी बहुत दुखी थी। ये सारी योजनाओं को दफना दिया था, उस चीज़ से जनता बहुत परेशान थी। मैंने जो 15 महीने में नहीं किए थे हो पाए थे काम, मेरे 5 महीने में हो गए इस सरकार से आने से। मेरे यहाँ स्टेडियम आ गया है, 6 समुदाय भवन आ गए हैं, 30-35 रोड हैं जो मैंने रोड भी स्वीकृत कर दी, कुछ रोडों पे काम चल रहा है कुछ चुनाव के बाद, और लाइट और पानी की जो समस्या थी वो भी काफ़ी हद तक दूर हुई। मुझे भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग मिला, सीएम साहब को मैंने जब जो काम के लिए कहा उन्होंने मेरे पूरा काम किया। उस अतीत का, उन्नति की, उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूं मैं कमल खिला। मुझे बहुत लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री योजना से, बहुत महिलाओं को भी लाभ मिला, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिले और 500 रुपये महिला हर महिलाओं के खातों में डले गए 500 रुपये, और 5 किलो गेहूँ फ्री मिले, चावल, तो इससे जनता बहुत सुखी है। बाहर से लोग आए थे उन लोगों को 1,000 रुपये की लाभ मिला, 1,000 रुपये प्रधानमंत्री की तरफ से डाले गए थे, उससे उन लोगों को काफी लाभ। चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ। महाराज मेरे नेता पहले थे, आज है और हमेशा रहेंगे, और महाराज इस पार्टी में आए हैं तो इस पार्टी को भी बहुत मजबूत की तरह लेके जाएंगे। जनता पूरी 28 की 28 सीटें हमें जिता के देगी। हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार। 370 हटा दिया है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। सीएम साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राज्य सरकार में और भी उन जैसा नेता कोई नहीं है, वो किसान से जुड़े हुए हैं, हर एक किसान का दुख दर्द समझते हैं। किसानों को सीएम साहब से बहुत आशाएं हैं और बहुत किसानों के ही हित का काम करते हैं। अभी तक 15 साल सरकार तभी चली, अब 25 साल सरकार चलेगी।